नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। 228 किलो सोना केदारनाथ के मंदिर से गायब है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। ये कहना है शंकराचार्य का। 228 किलो सोने की जो न्यूज है वो कहीं पर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्यों दिखाई जाती है, उस पर टीवी मीडिया चुप क्यों है, क्यों ऐसी खबरें नहीं चलाती? इसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में भी केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली में भी एक केदारनाथ का मंदिर बनने वाला है। केदारनाथ के मंदिर को लेकर के भी शंकराचार्य का कहना है कि एक जगह केदारनाथ के मंदिर में 228 किलो सोना गायब हो जाता है और वह लूट का केंद्र बन चुका है, तो क्या एक और केंद्र आप दिल्ली में खोलने जा रहे हैं? और यही कहना है नेहा सिंह राठौर का कि जिस प्रकार से 228 किलो सोने की खबरें आ रही हैं गायब होने की, तो क्या दिल्ली में भी इसी प्रकार से सोना को ठगने के लिए आप दिल्ली में भी ये मंदिर खोलने वाले हैं? तो इस प्रकार से साथियों देखने को मिलेगा कि मंदिरों में पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि सोना गायब हो जाता है, सोना पीतल हो जाता है। साथियों सवाल ये उठता है कि ये जो सोना चुराने वाले लोग होते हैं क्या मंदिर के परिसर के लोग होते हैं या कहीं से चोर डाकू डकैत आते हैं और मंदिर का सोना लूट करके चले जाते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं होती? इनकी खबरें चलनी चाहिए, लेकिन टीवी मीडिया में इनकी खबरें नहीं चलती। खबरें चलती हैं अंबानी के बेटे की, जो शादी है, लगभग 2 महीने से लगातार शादी चल रही है और वही खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं, जबकि अन्य खबरें भी ऐसी हैं जो देश में हो रही हैं, लेकिन वो आपको टीवी पर देखने के लिए नहीं मिलती। साथियों एक और घटना की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। मुंबई के ठाणे में सिलफटा के पास में एक मंदिर है, वहां पर पुजारी समेत 3 व्यक्तियों ने एक 30 वर्षीय महिला के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद उसको इसकी निर्मम हत्या की। साथियों उनके नाम है जो आरोपी हैं, श्याम सुंदर शर्मा, दूसरे संतोष कुमार मिश्रा और तीसरे हैं राजकुमार पांडे। लेकिन आप देखेंगे एनवीटी की भी खबर है और इस खबर को लिखते वक्त जब एक मिश्रा जो नीचे जो लिखती हैं इस लेख को, इनके नामों के जो सरनेम हैं वो छुपा जाते हैं और टीवी मीडिया में ये खबरें नहीं चलती। लेकिन अगर मुंबई के ठाणे की बात करें तो वहाँ की लोकल जो खबरें हैं उनमें लगातार ये घटना चलती है। साथियों जब मंदिर के परिसर के अंदर यानी मंदिर के अंदर उस 30 वर्षीय महिला के साथ में जब सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था, तो उस समय जो ईश्वर में प्राण फूंके गए थे, तो क्या उस समय ईश्वर उस घटना को होते हुए देख रहा था क्या? साथियों ऐसे ही सवाल कई बार सच्ची रामायण लिखने वाले ईवी रामास्वामी पेरियार ने भी कई बार उठाए हैं कि जब महिलाओं के साथ में, जब बेटियों के साथ में बलात्कार किया जाता है तो आपका ईश्वर उस समय क्या कर रहा होता है? और मंदिर के अंदर ही परिसर में एक 30 वर्षीय महिला के साथ में बलात्कार किया जाता है और मंदिर के अंदर जो बैठा है, जो ईश्वर है, वो शांत है, तो साथियों सोचने वाली इस बात को यह होती है कि ये जो नाम गायब हो जाते हैं टीवी मीडिया में ये खबरें नहीं चलती हैं। और यदि इसकी जगह पर अन्य घटनाएं हो जाती या कोई और इसमें व्यक्ति सम्मिलित होता तो बाकायदा उसके सरनेम के साथ में टीवी मीडिया बड़े बड़े प्रचार के साथ में इन खबरों को चलाती, लेकिन ना 228 किलो सोने पर आपको खबरें चलते हुए दिखाई देंगी, ना आपको यह दिखाई देगा कि एक 30 वर्षीय महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, ना वो खबरें आपको देखने को मिलेंगी। यहां तक कि जब सरनेम की बातें आएंगी तो वो भी छुपा ली जाती है। साथियों इसलिए ही शायद यह मनुस्मृति किताब लिखी गई थी, क्योंकि इसमें लिखा है चाहे ब्राह्मण बलात्कार कर दे या किसी की निर्मम हत्या कर दे तो उसको सशरीर और धन के साथ में देश निकाला दिया जा सकता है, उसकी हत्या नहीं की जा सकती, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए ही शायद ये पुस्तक दिल्ली के विश्वविद्यालय में लॉ के छात्रों को पढ़ने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जिसको निरस्त कर दिया गया है साथियों। लेकिन इन चीजों का जो खुलासा है वो सच्ची रामायण जैसी किताबों में
हमारे महापुरुष करके गए हैं और उन्होंने लगातार सच्ची रामायण के जरिए बताया है कि ये जो पाखंडवाद है किस तरीके से पूरे देश में पनप रहा है और ये अंधविश्वास के कारण आज हमारा देश कहीं ना कहीं तरक्की नहीं कर पा रहा है, ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है। गुलामगिरी लिखने वाले ज्योतिबारा फूले ने भी लगातार इस पाखंडवाद, इस अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई थी। साथियों, आप जानते होंगे कि सावित्रीबाई फूले ने जब छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोले, महिलाओं के लिए विद्यालय खोले, जब उनको पढ़ाना चाहा, तो वही धार्मिक लोग जो सती प्रथा के समर्थन में थे, जो विधवा विवाह की जब स्वीकृति दी गई तो उसके भी विरोध में थे, तो वही लोगों ने सावित्रीबाई फूले पर गोबर फेंके, यहां तक कि उन पर कंकड़ पत्थर मारे और तरह तरह की गालियां दी, क्योंकि उन्होंने समाज के दलित पिछड़े समाज की बच्चियों के लिए स्कूल खोले थे। इसलिए इन्होंने गुलामगिरी लिख करके इस बात को, इस पाखंडवाद और इस अंधविश्वास को उजागर करना चाहा। लेकिन उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने इस मनुस्मृति को जलाया था, जिन्होंने बोला था कि ये दलित छड़ों के लिए खिलाफ है और ऐसी जो किताबों को जला देना चाहिए, और इसलिए, लेकिन आज देखें आज वर्तमान में क्या हो रहा है। एक तरफ 228 किलो सोना गायब हो जाता है, दूसरी तरफ मुंबई के ठाणे में एक 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं। और साथ साथ में अगर देखें तो वही मंदिर के पुजारी आज पुजारी की जगह पर राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। चाहे हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि अयोध्या के चुनाव हारने के बाद में किस प्रकार से डीएम से भिड़ गए थे, जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी है उससे भिड़ गए तो इतनी ताकत कहां से आती है, किसको जिताना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पहले आप पुजारी बनिए, फिर राजनीति में आइए, आपका रास्ता क्लियर है। तो किस प्रकार से, जबकि आप देखते होंगे कि एक जो पुजारी होते हैं वो ईश्वर के कहते हैं एजेंट होते हैं, और जो भक्त होते हैं उनको ईश्वर तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों में ये विश्वास उत्पन्न करते हैं कि वो लोगों को ईश्वर से मिलाएंगे। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से कृत्य सामने को देखने को मिल रहे हैं, मंदिरों के परिसर में गैंगरेप हो रहे हैं, मंदिरों के परिसर में सोने के जो ढेर हैं, वो जो सोने की जो परतें हैं वो चोरी हो रही हैं, लेकिन ये खबरें मीडिया में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, और ना ही इस टीवी मीडिया में ये खबरें देखने को मिलेंगी और इनकी जांच पड़ताल हो। लेकिन रास्ता दिखाया था हमारे महापुरुषों ने, चाहे ईवी रामास्वामी पेरियार हों, ज्योतिबारा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, बसमन्ना हो, कबीर हों, चोखा मेला हों, इन सभी महापुरुषों ने इस अंधविश्वास, इस पाखंडवाद के खिलाफ एक रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। साथियों, आपको उस रास्ते को जानना होगा कि कहते हैं कि मन्ना रंगाए जोगी कापड़ा। कबीर दास ने लिखा था कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत हिलियो, पलभर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो तेरे विश्वास में। कबीर जैसे व्यक्तियों ने, संतों ने भी लगातार जो ईश्वर की बात की है वो अपने अंदर ही खोजने की बात की है। लेकिन जिस प्रकार से भक्तों की भावनाओं के साथ में जो मंदिर के पुजारी हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मंदिर के जो पुजारी हैं, जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, और ये खबरें छुपाई जाती हैं। साथियों, तो आपका इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, और कहीं ना कहीं आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कीजिए, और ये जो मंदिर मस्जिद या फिर ये जो जिस प्रकार से इन आस्था के धर्मों में जिस प्रकार से ईश्वर में प्राण फूंकने की बात की जाती है, और जो प्राण फूंक दिए जाते हैं उसी ईश्वर के सामने बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर आपका क्या तर्क है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और सही प्रतिक्रिया दें। तब तक अगली वीडियो के लिए जय हिंद।